फ्रेंड्स नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल इन वन टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपको इस मशीन में बताने जा रहा हूँ कि A3 साइज का पेपर जो होता है अपना, ये जो पेपर होता है A3 साइज का, उसको हमें फोटोकॉपी मशीन से कैसे निकालना है इस साइज के पेपर से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आता नहीं है। तो मशीन आपने स्टार्ट करी, मशीन आपकी अब स्टार्ट हो रही है। जैसे ये मशीन पूरी ऑन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे मशीन पूरी ऑन हो जाती है तो नीचे नीचे जो दिए हुए हैं इसमें, ये होता है A4 और ये A3 का, तो आप इसको खोलिए। खोलने के बाद इसको रिसाइज करना पड़ता है। रिसाइज में कुछ नहीं, इसको यहाँ से दबाना, ये दबा के इसको पीछे करिए, इसको ऐसा करके पीछे करिए, और ये जो पेपर है, ये जो पेपर है इसको यहाँ पे इसे रखिए, नॉर्मल तरीके से रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें ये आपको लीगल दिख रहा होगा, LEL GL दिख रहा होगा, ये A3 का साइज होता है। इसमें आपने सेट करा, फिर आपने बिल्कुल धीरे से इसको लगा दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आप ऐसे करेंगे तो ये A3 शो होने लगेगा। A3 होने के बाद आप इसको डन करिए। डन करने के बाद में आप कोई भी इसके अंदर नॉर्मल तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने ये इसी का प्रिंट होना है, तो आपने बहुत नॉर्मल तरीके से पूरा पेज रख लिया A3 का, क्योंकि साइज बड़ा होता है ये मान के चलिए आप। और फिर आपने कुछ नहीं करा, आपने इस बटन को दबा दिए साइज, और इस बटन को दबाने के बाद अब यहां से आपका A3 साइज का पेपर यहां से निकलेगा। तो ये जो पेपर है ये फाइनली निकल चुका है, हालांकि इसके अंदर अभी हमने कोई प्रिंट नहीं दिया था, ये आपको समझाने के लिए था। तो दूसरा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको ड्रम बदलना, ब्लेड बदलना और क्लीनिंग कैसे करते हैं फोटोकॉपी मशीन की, जिससे प्रिंट क्लियर आ जाए, वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो आज के लिए वीडियो है, थैंक यू दोस्तों।